जामा साहब, ऐसा सुना है कि जब आप बोलने खड़े होते हो तो जो स्ट्रेचर में बैठा है वो ऐसे हिलने लगता है आपको सुन के, जो वेंटिलेटर पे है वो अपनी आंख खोल के देखता है। वो कोई बहुत ही तारीखी लम्हा था जब मुनव्वर जमा के पेरेंट्स ने इनका नाम मुनव्वर जमा रखा था। मुनव्वर जमा का मतलब होता है जमाने को रोशनी देने वाला। सच्ची बात यह है कि आप वो काम कर रहे हैं, मैं बिला किसी एग्जेजरेशन और मुबालगे के कहता हूँ, जो काम अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे। इससे ज़्यादा मैं और कोई ऊंचा कमेंट नहीं कर सकता। ये पर्सनलिटी डेवलपमेंट के काम के लिए ही अल्लाह पैगंबरों को भेजा करते थे, किताबों को उतारा करते। कुरान वही याद करता है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, जिस पर अल्लाह का करम होता है। आप लोग पर अल्लाह का फजल है, आप लोग पर अल्लाह का करम है, और अल्लाह कुछ रेवोल्यूशन चाहता है आप लोग से। हिंदुस्तान के तमाम मदारिस का नाम आपने रोशन किया है। आपके वालिदैन को सलाम, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को सलाम, आपकी काविशों को सलाम। आपने जान डाल दिया है मदरसे के बच्चों में। अब इंशाल्लाह हिंदुस्तान के मदारिस के बच्चों में ख्वाब है कि हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनकर देश के तरक्की में उलमा और हुफाज़े इकराम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इंशाअल्लाह। और हम सलूट करते हैं डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब को कि मदारिस के बच्चों को बड़े अजीब नज़र से देखा जाता था कि ये कॉन्वेंट के बच्चों के आगे कुछ नहीं है, जो भी है कॉन्वेंट के बच्चे ही है, यही असल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन उन्होंने साबित किया है कि हम हाफिज भी है, हम डॉक्टर भी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो सबको मोटिवेट करते हैं। आपको बता दें कि जो लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं और सोचते हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली, वो लोग इनकी मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद इतना मोटिवेट होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। उनके दिल में उम्मीद और यकीन का ऐसा बीज तैयार होता है कि जिनसे ये अपनी जिंदगी में यकीनन कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा के बारे में। महतरम दोस्तों, मुनव्वर जमा नाल गोंडा जिले से ताल्लुक रखते हैं, जो कि हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूरी पर वाक़े है, और उन्होंने अपनी सेकेंडरी तालीम भी वहीं से हासिल की है। मुनव्वर जमा साहब के वालिद और उनके दादा भी नालगोंडा जिले से ही ताल्लुक रखते हैं। मुनव्वर जमा साहब के वालिद एक फार्मेसिस्ट थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे और वहां से रिटायर भी हो चुके थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मुनव्वर जमा भी आगे चलकर एक डॉक्टर बने, पर अफसोस मुनव्वर जमा साहब ने कोशिश की, वो डॉक्टर नहीं बन पाए। उसके बाद मुनव्वर जमा साहब के वालिद चाहते थे कि मुनव्वर जमा उनके नक्शे कदम पर चलें और फार्मेसिस्ट बने। मुनव्वर जमा साहब के घर में क्लिनिक भी चलती थी, इसीलिए मुनव्वर जमा साहब ने फार्मेसिस्ट कोर्स भी किया था और बीएससी भी की थी। इसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब भी मिली। नौकरी मिलने के बाद मुनव्वर जमा ने हॉस्पिटल में काम भी किया, लेकिन वहाँ की डॉक्टर्स इंग्लिश में बात करते थे और मुनव्वर जमा को इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से नहीं आता था। हालांकि उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी, पर वहाँ पर उनके पास दो ऑप्शंस थे, एक ये कि वो वापस नालगोंडा चले जाएं और दूसरा ये कि वो इंग्लिश स्पीकिंग सीख लें, पर उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। मुनव्वर जमा ने हैदराबाद में रसल्स स्पोकन इंग्लिश से इंग्लिश सीखा। उसके बाद मुनव्वर जमा का टीचिंग पैशन और जुनून बन गया। उसके बाद उन्होंने पहली बार सन 2007 में रमजान के मुकद्दस महीने में पढ़ाना शुरू किया। पहली मर्तबा ही उनके पास 300 बच्चे पढ़ने के लिए बैठे थे। उसके बाद मुनव्वर जमा दूसरी मर्तबा पढ़ाने आए तो उस वक्त 500 बच्चे पढ़ने के लिए आए थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और वहां से उनकी जिंदगी शुरू हुई, और फिर मुनव्वर जमा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों, इतना ही नहीं, मुनव्वर जमा को सऊदी अरब के इमाम, हरम के चीफ जस्टिस के फैमिली को भी पढ़ाने का शर्फ हासिल रहा है और इंटरनेशनल स्कूल के टीचर्स को भी पढ़ाया है। और मुनव्वर जमा साहब ने हाउसवाइफ, लड़कियां और यहां तक के आलिमात को भी पढ़ाया है। महतरम दोस्तों, मुनव्वर जमा की एक खास बात आपको बताते चलें कि वो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीब सी फिक्र रखते हैं। उनका कहना है कि अल्लाह ने मुसलमानों को इस दुनिया में इनकलाब बरपा करने के लिए पैदा किया, अफसोस है उन मुसलमानों पर जो पैदा हुए और बगैर किसी इनकलाब के मर गए। दोस्तों, मुनव्वर जमा ने दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल और जामिया अक्कल कुआ के नाज़िम तालीमात हजरत मौलाना
मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के साथ भी मिलकर उम्मत मुस्लिमा की तामीर व तरक्की के लिए बहुत खिदमत की हैं और मुसलसल कर रहे हैं। अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त मुनव्वर ज़मा इंग्लिश हाउस एकेडमी के CEO भी हैं। फार्मेसिस्ट वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर बनने तक का उनका ये सफर नाकाबिले फरामोश है। उनकी जिंदगी का ये सफर उन नौजवानों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो मायूस और हारे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुनव्वर ज़मा को उनकी काबिलियत की वजह से बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जैसे सन 2011 में राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड, सन 2012 में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन अवार्ड, सन 2013 में इंडियन आइकन अवार्ड, सन 2016 में द आइडियल टीचर के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है और सन 2019 में इन्फ्लुएंशियल ट्रेनर ऑफ द डेकेड, द रेवोल्यूशनरी ट्रेनर ऑफ इंडिया, नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन जैसे अवार्ड से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। दुआ है कि वो इसी तरह उम्मत मुस्लिमा की तामीर व तरक्की के लिए खिदमत करते रहें। अल्लाह उन्हें सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए। मोहतरम दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।